कर अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए। ऐसे कठिन है, ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना देखे? हाँ यार भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कैसे जाएंगे हम लोग? अरे माधवी आंटी, पापा ट्राई तो कीजिए। हाँ जेठा अंकल, ट्राई तो कीजिए। हाय कोशिश करता हूँ। गए? नहीं, वो पगथिया ढूंढ रहा हूँ। अरे पगथिया नहीं है इधर, पगथिया हटा दिया क्या? टप्पू? नहीं नहीं पापा, उधर ही है। अरे ढूंढिए ढूंढिए। अरे तो किधर है? है तो हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। हाँ बस चलो। तो नीचे तो पहुंच गए, अभी कुर्सी। तेरे कुर्सी पापा, अब आप बैठ जाइए। ले भाई, बाप रे, किधर कुर्सी, किधर पहुंच गए हम लोग तो? लागू नहीं, नहीं कुछ दिखाई नहीं। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, दादाजी हमेशा कहते हैं कि जब कोई चीज हमारे पास होती है तभी हमें उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो चीज हमारे पास से अचानक चली जाती है तभी हमें एहसास होता है कि वो चीज कितनी कीमती थी। अभी आपने देखा ना कि पापा और माधवी आंटी की आंखों की रोशनी 2 मिनट के लिए छीन ली तो उन्हें क्या हो गया। तो अब आप उन नेत्रहीन जरूरतमंद बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पास आंखें तो है लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं। क्या हम सब मिलकर उनकी आंखों की रोशनी नहीं ला सकते? अंकल आंटी, टप्पू सेना आपसे विनती करती है कि जरूरतमंद बच्चों की आंखों की रोशनी बचाने के लिए और उनके लिए रोजगार की सुविधा खड़ी करने के लिए आप अपने दिल की आवाज सुनिए और हमारे प्रोजेक्ट रोशनी में दिल खोलकर डोनेशन लिखवाइए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जब हमें जनता से कहना पड़ता है कि तालियां बजाइए, लेकिन शायद आप मेरी बात से इत्तफाक रखेंगे कि आज इन बच्चों ने एक ऐसा कमाल का प्रोग्राम यहाँ पे किया है कि हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। बच्चों, आप लोगों ने सचमुच कमाल कर, एक ऐसा एक्ट
तो मेरे ख्याल से मैंने तो इससे पहले इतना प्रभावशाली एक्ट नहीं देखा था, वो भी इन बच्चों ने किया। इस एक्ट में नेत्रहीन मजबूर बच्चों की पीड़ा थी, राइट, और उस पीड़ा को आवाज बना दिया इन लोगों ने। और सचमुच इस पीड़ा को देख के हमारे भीतर की संवेदनाएं अगर जागृत नहीं हुई तो फिर हम इंसान कैसे। बिल्कुल सच का मेहता साहब, बिल्कुल सच का बोलो। अभी बीड़े बोल रहा है बिल्कुल सच का। पके फोन करके मेरे जान खा गया था। टप्पू सेना बिना परमिशन लिए कुछ प्रोग्राम कर रही है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। रवि बोलता है बिल्कुल सच बात है। हाँ बोला था, बिल्कुल बोला था। जेठालाल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तब मुझे इस प्रोग्राम के पीछे टप्पू का क्या उद्देश्य था ये पता नहीं था ना, इससे मैं चिंतित हो रहा था। लेकिन आत्माराम अब तो कोई चिंता नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ। अब तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं दीपेंद्र जेठालाल गड़ा का ट्यूशन टीचर हूँ। ओहो हो, आज की तारीख तो लिख के रखनी पड़ेगी। टप्पो तेरा मास्टर जी ने तेरा पूरा नाम लिया, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा। अरे बिल्कुल जेठालाल, टप्पू ने कार्य ही ऐसा किया है, मुझे क्या, पूरे गोकुल धाम को उस पर गर्व है। सही बात है बड़े मास्टर, वैसे तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं लेकिन ये प्रोग्राम तो बिल्कुल अद्भुत अद्भुत। थैंक यू बाबा, मजा आ गया। अरे हमारी टप्पू सेना जो है ना, वो हमेशा हर कार्यक्रम हर प्रोग्राम जो भी करती है एकदम अद्भुत करती है भाई। यस पापा। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि यूं तो हर आंख बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, और देख कर रो दे जो जमाने का गम, उस आंख से आंसू गिरे वो मोती है। मुझे पूरा विश्वास है कि टप्पू सेना का ये मिशन प्रोजेक्ट रोशनी सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल होगा, ऑफ कोर्स, निश्चित तौर पे। आप लोगों के इस एक्ट ने हमारी संवेदनाओं को जगा दिया, एक करुणा, एक ऐसा भाव हमारे भीतर उपजा है कि आज हमें ये लगने लगा है कि बच्चे छोटे भी हों तो बड़ों को राह दिखा सके। आपने जिस ढंग से हमें राह दिखाई है, हम आप बच्चों को धन्यवाद भी देते हैं। और निश्चित तौर पे मुझे ये लगता है कि हम बड़ों को ये फैसला करना चाहिए कि अब इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए जितना जी खोल के हो सके हम डोनेशन दें। और अब जिसको जितना डोनेशन लिखवाना है लिखवा सकते हैं। टप्पू मेरी ओर से बेटा 3,000 रुपए लिख दो। यस। मेरी तरफ से 1,000। मेरी तरफ से भी 1,000 रुपए। मेरी तरफ से 2,000। जल्दी जल्दी लिख, शर्मांक शर्मांक। भाई मेरी तरफ से 2,500 लिखो। ऊपर अंकल 2,500 रुपए, जल्दी लिख। टप्पू सेना हाथी फैमिली की तरफ से 2,000 रुपए लिख लो। थैंक यू बाबा। हमारी तरफ से 3,000 रुपए। हाँ। और टप्पू सेना और जितना अपना जेठा भरा दे रहा ना उतना मेरा फिर से लिख लो। थैंक यू सोडी अंकल। अरे पापू जी आप बोलिए, आप जितना बोलेंगे उतना लिखवा देते हैं। ठीक है टप्पू बेटा, मेरा परिवार की ओर से 5,000 रुपए लिख ले। क्या बात है जेठा अंकल, थैंक यू। वाओ दादाजी, थैंक यू पापा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू मम्मी। आपके नट्टू काका की तरफ से फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी 501 रुपए लिख लीजिए। फूली जल्दी लिखना। टप्पू सेठ जी मेरी तरफ से भी 501 लिख देना। अब्दुल की तरफ से भी लिख लो 1,001 रुपया। भिड़े। हाँ हाँ माधवी, पहले तुम्हारा आंकड़ा, क्योंकि तुम एक बिजनेस वुमन हो तो तुम्हारे मन का आंकड़ा बोलो। नहीं आप ही बोलिए। नहीं नहीं बोलो बोलो। अरे बोल बोलो नहीं माधवी भाभी, बोलो जी बोलो। बोल। आज मुझे अचार पापड़ में 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो मेरी तरफ से टप्पू सेना को पूरा का पूरा डोनेशन। मेरी तरफ से 1,200 रुपया, मतलब कुल मिला के भिड़े फैमिली की तरफ से 1,200 + 800 2,000 रुपए का डोनेशन। वाह भिड़े अंकल वाह। थैंक यू बाबा। हाँ एक मिनट, और एक बात, और एक बात। ओहो और भी लिखवा रहे। मतलब मेरा एक सुझाव है, क्यों ना हम लोग इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए सोसाइटी के वेलफेयर फंड से 1,001 रुपए का डोनेशन दे तो। हाँ बढ़िया है बढ़िया है। हाँ अरे लिखी और पूछ पूछ भाई, बिल्कुल देना चाहिए। क्या बोलता है भाई? एकदम करेक्ट पोपटलाल। आत्माराम दे दो। तो भाई बोया लिख लो।
थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोली सभी लोगों ने डोनेशन लिखवा दिया, अभी जल्दी टोटल मार। हाँ वाओ, सुनिए हमारे प्रोजेक्ट रोशनी के लिए पूरे 33,500 रुपए जमा हुए हैं। वो बापूजी तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हैं नहीं, तैयार हो गए हैं। दया चाय नाश्ता लाना। हाँ ले ले। अरे दया टप्पू कहाँ है? टप्पू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। ओहो देखा बापूजी टप्पू तो सुधर गया, कल देर रात तक प्रोग्राम करने के बाद आज सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ के तैयार हो रहा है। हाँ तो पोता किसका है? ऐसे कल रात का बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया नहीं बाबूजी? हाँ तो पोता किसका है? लीजा चाहिए। थैंक यू दया। बाबूजी लागड़ी के मामले में आप एकदम व्यापारी है, मुद्दल से ज्यादा आपको ब्याज पसंद है। हाँ तो वो तो होगा ही ना। ले आ गया मेरा ब्याज। मम्मी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मम्मी टिफिन दो ना, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। बेटा तैयारी है, ले लो। दादाजी आज स्कूल में हम सभी ग्रुप को पैसे जमा करने। अच्छा तो पैसे बराबर ले लिए ना? हाँ दादाजी, ये देखिए पैसों को मैंने न्यूज़पेपर में लपेट के उसका पैकेट बना के उस पर रबर बैंड मार दिए। वाह, जैसे पापा कभी कभी दुकान पैसे ले जाते ना वैसे। अरे वाह, मेरा टपुड़ा तो एकदम होशियार हो गया है। हाँ तो पोता किसका हूँ? आप दादा पोते से कोई जीत नहीं सकता। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। टप्पू रेडी? हाँ रेडी, और हमारे कलेक्शन का पैकेट भी रेडी है। लेकिन टप्पूड़ा तुम सब लोग ये पैसे लेके अकेले स्कूल जा रहे हो? नहीं दादाजी, मेरे पापा जीप से छोड़ने के लिए हम सबको आ रहे हैं। अच्छा सोड़ी आ रहा है तो फिर ठीक है। हाँ फिर ठीक है बापू जी, बराबर। मम्मी तुम भगवान से प्रार्थना करना कि सबसे ज्यादा कलेक्शन टप्पू सेना का ही हो और टप्पू सेना ही ट्रॉफी जीते। क्यों फ्रेंड्स? हाँ टप्पू, माँ के आशीर्वाद तो हमेशा बेटे के साथ ही होते हैं। जाओ फतेह करो। ऑल बेस्ट। हाँ थैंक यू मम्मी। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। चलो चलो। अरे संभल के जाना बेटा। अरे दया चाय के साथ नाश्ता नहीं दिया? ओह सॉरी, एक दो मिनट में देती हूँ, अभी जरा टप्पू को बाय कह देती हूँ। अरे टप्पू को तो मुझे भी बाय कहना है बाबूजी। हाँ हाँ मुझे भी कहना है। आइए आइए। चलो मेरे शेरो, स्कूल जाने के लिए अपनी बिल्ला रानी एकदम तैयार है। पहले फिर पकड़। हाँ सोडी वाह, अच्छा है तो बच्चों को छोड़ने जा रहा है स्कूल तक। जेठालाल सोडी को मैंने ही बोला था बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। क्या है बच्चों के पास बड़ी रकम है ना? भाई आहिस्ता बोल, बड़ी रकम कोई सुन लेगा? हाँ मतलब बच्चों के पास बड़ी मिठाई है तो मैंने ही सोडी को बोला कि तू बच्चों को छोड़ दे, बाद में तू गैराज चले जाना। बिड़ू बच्चों के पास बड़ी मिठाई है, तू तो कह रहा था पैसे। बोली बेटा तुम लोग पास मिठाई भी है? मुझे बताया नहीं, ये तो गलत बात है बेटा, कम से कम टेस्ट तो कराओ। पापा मुझे भी नहीं पता है टप्पू उसमें मिठाई भी है। नहीं नहीं बोली, नहीं दादाजी। अरे भातीड़ा उसमें कोई मिठाई मिठाई नहीं है, और तुम लोग जाओ अभी वरना देर हो जाएगी। हाँ चला चला। टप्पू बेटा मिठाई का जोखम है तो बस अभी बहुत होगी मिठाई मिठाई, डायबिटीज हो जाएगी। सोनी भाई जरा संभल के लेकर जाना। हाँ मम्मी बाय बाय।
बात है, पापा जी तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो जी। थैंक यू। रोशन जरा संभाली नहीं जी, गड्डी आस्ते चलाना। और सोनी अगर तू इधर बैठ जा तो गड्डी अपने आप ही आस्ते चलेगी। हाँ तो ठीक है यार, हाँ भी ठीक है। ओहो, टायर तो पंचर हो गया। अब क्या करेंगे? ओ कुछ नहीं है, अभी 10-15 मिनट के अंदर टायर चेंज कर देता हूँ, फिर स्कूल छाट के आता हूँ। लेकिन सोरी अंकल, हमें स्कूल में लेट हो जाएगा, हमारा फंक्शन शुरू हो जाएगा। हाँ सोरी अंकल, हम लोग चल के चले जाएंगे। अरे अरे बच्चो, हमारे स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं। हाँ सोनी अंकल, आप टेंशन मत लो, हम चले जाएंगे। और बच्चों ठीक है, फिर मैं टायर आके बदल लूंगा, अभी तुम लोगों का स्कूल चढ़ के आता हूँ। चलो ओए पापा, मैं आपका पुत्र हूँ, मतलब शेर का पुत्र हूँ, और पापा शेर हमेशा अकेले ही घूमता है। कल हम सब बहादुर है। हाँ सोनी अंकल, आप टायर चेंज कीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हाँ सोनी अंकल, हम लोग सब साथ में मिलकर चले जाएंगे। और ठीक है बच्चो, और रब जी तुम्हारे साथ है। टप्पू पुत्र पर संभल के जाना, वो तुम्हारे पास कैश है। सोनी अंकल, आपको पता है कि हमारे पास कैश है? हम लोग को पता है हमारे पास कैश है, लेकिन कोई तीसरे आदमी को तो नहीं पता ना कि हमारे पास कैश है। और करेक्ट है मेरे गोकुलधाम के डॉन, और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नाम मुमकिन है। हाँ चलो चलो फ्रेंड्स, थैंक यू सोनी अंकल, बाय बाय। वेलकम वेलकम, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बोली चल 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 होगी। हाँ इधर इधर चल चल। हमारी मदद कीजिए, हम जन्म से अंधे हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम जन्म से अंधे हैं, हमारी मदद कीजिए, हम बहुत मजबूर हैं, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हमारी 10 साल की बेटी की आंखों की रोशनी बच सकती है, क्योंकि उसकी आंखों के इलाज के लिए 24 घंटों के अंदर हमें 45,000 रुपये जमा करने हैं। मेहरबानी करके मदद कीजिए हमारी। हम अंधे हैं क्योंकि हमारे आंखों का इलाज वक्त पे नहीं हो पाया, लेकिन आप मदद करके हमारी बेटी की आंखों की रोशनी बचा सकते हैं, इसलिए प्लीज आप कोई तो हमें मदद कीजिए, प्लीज मदद कीजिए। ये तो अपनी बेटी की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। क्या पता सोनू, ये दोनों असली में अंधे है भी या नहीं। पिंकू, दादाजी हमेशा कहते हैं ना कि किसी की भी मजबूरी को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। हमारी मदद कीजिए भाई साहब, हमें भीख नहीं मदद चाहिए। अरे कोई रहम दिल बाल बच्चों वाला जो मेरी बेटी की आंखों के ऑपरेशन के लिए मदद करे। क्या मुंबई शहर की मानवता मर चुकी है जो एक गरीब जरूरतमंद की पुकार नहीं सुन सकते? मदद कीजिए, कोई तो मदद कीजिए। हम गरीबों की कोई तो पुकार सुनो, कोई है भगवान के वास्ते कोई तो सुनो। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट रोशनी के लिए हमने जो पैसे जमा किए है हम इनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए दे देते। नहीं नहीं टप्पू, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे हाँ टप्पू, ये पैसे तो हम लोग ने प्रोजेक्ट रोशनी के लिए जमा किए हैं। हाँ पर गोली, प्रोजेक्ट रोशनी का मकसद ही यही है ना कि जरूरतमंद अंधजनों की आंखों का ऑपरेशन करना।
तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए? और सोचो, इन पैसों से हम एक लड़की की आंखों की रोशनी लौटा सकते हैं। नहीं नहीं टप्पू, यही ठीक होगा कि हम ये पैसे स्कूल में जमा कर दें। पिंकू, स्कूल में तो सभी ग्रुप वाले ने पैसे जमा किए होंगे, लेकिन इन लोग की मदद कौन करेगा? और 2-4 रुपए की भीख से इनकी बेटी की आंखों का ऑपरेशन नहीं हो सकता। और भूल गए, कल रात सोसाइटी में हमारा प्रोग्राम देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए थे और सभी ने दिल खोल कर मदद की थी। तो तुम्हें नहीं लगता हमें इनकी मदद करनी चाहिए? टप्पू, अगर हम इन्हें पैसे दे देंगे तो हम स्कूल में क्या कहेंगे? जो सच है वही कहेंगे। और प्रिंसिपल मैम ने हमें क्या कहा था कि समाज का एक हिस्सा होने के नाते हमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। देखना, ये सुनकर स्कूल वाले भी खुश हो जाएंगे। टप्पू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टप्पू, मैं भी कंफ्यूज हूँ। तुझे जो ठीक लगता है वही कर। हाँ। थैंक यू फ्रेंड्स। भगवान के वास्ते मदद कीजिए, भगवान के वास्ते मदद कीजिए। अंकल, आंटी, आपकी बेटी के ऑपरेशन के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी मदद, 35,500, ये लीजिए। धन्यवाद बेटा, जुग जुग जियो, खुश रहो। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, प्रोजेक्ट रोशनी के नाम से जरूरतमंद बच्चों की आंखों का ऑपरेशन करने के लिए हमारी स्कूल ने एनजीओ ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डोनेशन जमा करने का सोशल वर्क शुरू किया है। हमारी स्कूल के जिस ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनेशन कलेक्ट किया होगा, उस ग्रुप को ये ट्रॉफी एक स्पेशल फंक्शन में दी जाएगी। अब सभी ग्रुप वन बाय वन अपना कलेक्शन अमाउंट डिक्लेयर कीजिए। मैम, हमारे ग्रुप ने 5,500 जमा किए। वेरी गुड। नाउ ग्रीन ग्रुप। मैम, हमारे ग्रुप ने 11,300 जमा किया है। वाओ। टॉकी, तुझे क्या लगता है टप्पू से यहाँ कितना कलेक्शन किया होगा? 15,000 से ज्यादा कलेक्शन नहीं किया होगा। वैसे तू टेंशन मत ले, मैं मेरे पापा से ब्लैंक चेक लाया हूँ। अपन इसमें टप्पू सेना से ज्यादा अमाउंट भर देंगे और फिर ट्रॉफी हमें मिलेगी। अब इस रॉकी को कौन समझाए कि डोनेशन अमीरी दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि अपनी दिल की भावनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। पर और अब रेड ग्रुप के लीडर रॉकी अपना कलेक्शन डिक्लेयर करेंगे। मैम, मेरे ग्रुप ने 21,000 कलेक्ट किया है। रॉकी, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। थैंक यू मैम। और अब हमारी स्कूल के सबसे एक्टिव टप्पू सेना के येलो ग्रुप की बारी। टप्पू, आप बताओ आपके ग्रुप ने क्या कलेक्शन किया है? मैम, हमारे येलो ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट रोशनी के लिए 33,500 रुपीज जमा किए। वाह टप्पू सेना, ब्रिलियंट कलेक्शन। आज तक स्कूल के इतिहास में किसी ने इतना बड़ा कलेक्शन नहीं किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड योर टप्पू सेना। और अब आप सभी लोग अपना अपना कलेक्शन मिसेस मेनन के पास जमा कर दीजिए। ब्लू ग्रुप, ग्रीन ग्रुप, रेड ग्रुप रॉकी,
आप अपना कलेक्शन दीजिए। और अब येलो ग्रुप, टप्पू आपका कलेक्शन दे दीजिए। मैम मैंने मेरा कलेक्शन ऑलरेडी दे दिया। दे दिया? किसे दे दिया? मैम जिनके लिए डोनेशन जमा किया था उन्हें दे दिया। एक मिनट टप्पू, तुम क्या कह रहे हो? तुमने जो कलेक्शन किया है वो स्कूल में जमा करना है, तुमने किसे दे दिया? Yes, what nonsense is this, टप्पू? वो पैसे कहाँ है? मैम हमने हमारे सारे पैसे अंधजन के 10 साल के बच्चे के ऑपरेशन के लिए दे दिए। कौन सी हॉस्पिटल में जाकर दिए हैं? हॉस्पिटल में नहीं मैम, हम लोग जब स्कूल में आ रहे थे तभी। टप्पू तुम पागल तो नहीं हो गए? रास्ते पर किसी अनजान अजनबी को तुमने सारे पैसे दे दिए? मैम ये ट्रॉफी पाने के लिए झूठ बोल रहा है, इसे सारे पैसे उड़ा दिए होंगे। नहीं रॉकी, मैम मैं सच बोल रहा हूँ, आपको भरोसा ना हो तो इन लोग से पूछ लीजिए। हाँ मैम। Shut up, shut up. This is too much, टप्पू। और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी तरह ही है झूठे। मिसेस मैनन आप अभी के अभी इन लोगों के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाओ, अर्जेंटली। हाँ बोल दिया। टप्पू के पापा टप्पू के स्कूल से भी फोन आया था और उनका वो प्रिंसिपल बेन है ना, उन्होंने आपको अभी के अभी स्कूल बुलाया है। अभी के अभी? अभी उन्होंने बोला कि अर्जेंट आई है, तो अर्जेंट का मतलब तो अभी के अभी होता है ना। हाँ पर हुआ क्या? वो तो नहीं पता, लेकिन टप्पू के पापा अभी के अभी अर्जेंट जाइए ना प्लीज। हाँ ठीक है जाता हूँ। थैंक यू। लगता है डोनेशन देख के प्रिंसिपल खुश हो गए होंगे। बस सुनिए मेरी जानेमन, चंगा सी यू बाय यू लव यू लव यू। इतनी जल्दी स्कूल में है ना, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। मैं भी छुट्टी ले लूं? एक चाल चाल अभी जानी पापा, जल्दी जा। चंगा आई लव यू। हेलो जी, मैं गुरुचरण सिंह यानी अपने गोगी पुत्र का फादर रोशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ। अर्जेंट स्कूल में आना है वो जी, आ जाते हैं। चंगा जी हेलो। सुटे रोशन, सुनिए गोगी पुत्र के स्कूल से फोन था, कह रहे हैं अर्जेंट स्कूल में पहुंचना है। क्यों? वो पूछने ही वाला था, फोन कट गया। जल्दी जल्दी हो क्या, इन बिल्ला हो जाओ, इन साइकिल लग जाओ। हां आई लव यू बाय सी यू। उसके बाद फ्राई कर ले। हंस ये लो। वाह। एंड प्लीज डोंट ओवर ईट। ओके श्योर, पक्का पक्का कोमल। तो एक काम करो, सिर्फ एक प्लेट और लेके आओ। हंस आओ, फोन फोन फोन। हेलो, हाँ मैं गोली की मम्मी बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ या ओके, हाँ मैं गोली के पापा को अभी भेज देती हूँ। ओके थैंक यू सर, बाय। क्या हुआ कोमल? हंस तुम्हें गोली के स्कूल में अर्जेंटली बुलाया है। अरे गोली ने बुलाया? उसको कैसे पता चल गया मैं समोसा खा रहा हूँ? हंस गोली ने नहीं, उसके प्रिंसिपल ने बुलाया है अर्जेंटली। क्यों? मुझे नहीं पता हंस, अर्जेंटली बुलाया, तुम अभी जाओ, ये मुझे दो। ये रहना तुम, मैं खाता कर ये गिली थी जाहिरात। आहा
हाँ। आपका फोन बज रहा है। तो देखो ना कौन है माधवी, मैं कुछ अर्जेंट ढूंढ रहा हूँ। हेलो, हाँ हाँ सोनू के पापा है, अर्जेंट है। अच्छा अच्छा मैं उनको भेजती हूँ अभी। ओके अहो माधवी, कितना भी अर्जेंट हो मैं अभी डिलीवरी करने नहीं जाने वाला, पहले ही बोल देता हूँ। कस्टमर का फोन नहीं है, सोनू के स्कूल से फोन था। प्रिंसिपल ने आपको स्कूल में अर्जेंट बुलाया है। अर्जेंट स्कूल में बुलाया है? क्यों? मुझे क्या मालूम, चाहिए ना। चलिए ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ। तुम ये समेट के रखना। हाँ। दे। तुझे भी फोन आया था? हाँ अभी फोन आया था। तो मैंने भी आया थे। तू अगर कहीं जा रहा है तो मुझे बच्चों के स्कूल तक छोड़ दे। अरे आतिफ भाई मैं स्कूल ही जा रहा हूँ तो आपको स्कूल तक ही छोड़ देता हूँ। चलो मतलब आप भी स्कूल जा रहे थे भाई, मतलब आपको फोन आया था अभी? हाँ, आपको भी आया था? हाँ। क्या सब बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया है? मैं अभी जेठा भाई को फोन करके पूछता हूँ। हाँ, पूछो पूछो। हाँ बोलो सटी। ओ जेठा भाई, और तुमको भी स्कूल वालों ने अर्जेंट स्कूल में बुलाया? हाँ, तुझे भी फोन है? वो मैनू पीड़ू को हाथी प्रागो वो सबको स्कूल में बुलाया। अच्छा, और हम लोग निकल रहे हैं स्कूल जाने के लिए। हाँ तो मैं भी दुकान से निकल चुका हूँ, स्कूल पे मिलते हैं फिर सीधा। चंगा जेठा भरा, स्कूल में ही मिलते हैं। ओके। वो जेठा प्रागो भी फोन आया था, वो डायरेक्ट स्कूल ही पहुँच रहे हैं। अच्छा अच्छा। भिड़े मास्टर तुम्हें क्या लगता है हमें किस लिए बुलाया होगा? कुछ पता नहीं आती भाई। पीड़ू तू शिक्षक है ना, तो तेरे पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। कमाल है सोड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों ने भी डोनेशन इकट्ठा किया है ना, तो शायद उनके साथ साथ हमारा भी सम्मान करना चाहते होंगे वो। क्या बात है, वाह भाई वाह पिड़ो, और तूने सच में साबित कर दिया क्या कि तू शिक्षक ही है जिसके पास हर सवाल का जवाब है। चलो सही बात है भाई, अर्जेंट चलना है। चलो हाँ अर्जेंट है भाई, जल्दी जल्दी बैठो भाई। आप आगे बैठिए। आगे बैठो। बस 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 बस। अरे आगे जेठा भाई आगे। हमारे बच्चों ने जो इतना अच्छा डोनेशन इकट्ठा किया है तो स्कूल वाले बच्चों के साथ साथ हमारा भी सम्मान करना चाहते होंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कितनी वर्षा नंतर अपने दोघांचे विचार मिळाले मिळाले। मास्टर ओ चला चला नहीं चला आता। अरे भिड़े मास्टर चलो चलो, स्कूल में आए नहीं कि सिखाना शुरू। और नहीं तो क्या सिखाने का, तो क्या जो बोला चाहिए प्रॉपर। अरे चल ना पापा। अबे मैम उन बच्चों के पेरेंट्स आ गए, प्लीज कम इन। आई नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको पता है ना कि प्रोजेक्ट रोशनी के लिए टपू सेना ने बहुत बड़ा डोनेशन जमा किया है। जी बिल्कुल। अरे बच्चों ने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से 33,500 रुपए जमा किए मैडम। और मैडम आज के इस महंगाई के जमाने में 33,500 रुपए जमा करना बहुत बड़ी बात है। सही बात है, टप्पू सेना ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक कर दिए थे। प्रिंसिपल मैडम, और डोनेशन जमा करने के लिए टप्पू सेना ने हमारी सोसाइटी में एकदम जबरदस्त जोरदार धमाकेदार प्रोग्राम किया था। और मैडम अगर आप भी वो प्रोग्राम देखते ना तो सच्ची आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते। लेकिन अभी मैं जो टप्पू सेना की बात आपको बताने वाली हूँ उसे सुन के आपकी आंखों से खुशी के आंसू के बदले आग के गोले निकलेंगे। अरे आंखों से आग के गोले, लेकिन क्यों? मैम कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाती हूँ, आपके टप्पू ने डोनेशन की सारी रकम राह चलते किसी अजनबी को दान में दे दी है। क्या? ये कैसे हो सकता है मैडम, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। तो खुद आप अपने बेटे से पूछ के तसल्ली कर लीजिए। मिसेस मैनन जाइए टप्पू सेना को बुला लीजिए। जी मैम। ये कैसे शक्य है? सोड़ी तू सुबह खुद आया था ना बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। हाँ।
कहाँ पिड़ो, पर स्कूल से एक मोड़ पहले मेरी गड्डी पंचर हो गई यार। वो बच्चे बहुत जिद करने लगे, वो स्कूल पास में ही है, हम लोग चले जाएंगे। मैंने लगता है वही रास्ते में ही जरूर ये कांड हुआ है। गोदेव टप्पू, ये प्रिंसिपल मैडम क्या बोल रहे, तूने 33,500 रुपए रास्ते में किसी अनजान आदमी को दे दिए? हाँ पापा। सोनू, क्या ये सच है? हाँ बाबा। अरे तेरी अकल क्या घास चरने गई थी टप्पू, स्कूल में जमा करने के पैसे तूने ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी को दे दिए? पापा वो लोग जरूरतमंद थे, उनकी बेटी के ऑपरेशन के लिए 24 घंटे में 45,000 रुपए की जरूरत थी, तो मैंने उनकी मदद की। अरे किसकी मदद करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए वो नक्की करने का काम स्कूल का है, तुझे पूरे पैसे स्कूल में जमा करने चाहिए थे बेटा। सही बात है, ऐसे थोड़ी राज चलते किसी भी अनजान आदमी को इतने सारे पैसे दे सकते हैं। हाँ बच्चों, टप्पू जब उन्हें पैसे दे रहा था तो तुम में से उससे किसी में भी रोका नहीं? सोडी अंकल, हम लोग ने टप्पू को मना किया था लेकिन लेकिन इसने तुम में से किसी की एक नहीं सुनी होगी। नहीं, अरे तुझे इतना बड़ा दानवीर होने का किसने कहा था? जेठालाल फोन। सॉरी। हेलो, अरे टॉफी छोड़, इधर बहुत बड़ा टेंशन हो गया, फोन रख तो अभी। टेंशन? हेलो हेलो हेलो, टेंशन जीरो, स्कूल में कुछ गड़बड़ हुई है। सॉरी, घर से फोन था। मिस्टर गड़ा, आपका टप्पू स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट है, और आप उसे बच्चा मत समझना, आजकल के सभी बच्चे झूठ बोलते हैं। पार्टी में जाना, खर्चा करना, मजे करना, ये इनकी आदत बन गई है। नहीं मैम, नहीं, ये झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। टप्पू, जब मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ तो बीच में बोलना बैड मैनर्स, और अगर मैं तुम्हारी स्टोरी मान भी लूं कि तुमने रास्ते में खड़े किसी जरूरतमंद को ये पैसे दिए हैं, तो इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मैं तो कहूंगी ये तुम्हारी बेवकूफी है और इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। देखिए, ये हमारी स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है, आपको शाम तक सारे पैसे स्कूल में जमा करने होंगे, वरना मैं इन सब को सस्पेंड कर दूंगी। नहीं 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 मैम, नहीं, इसमें मेरे फ्रेंड्स की कोई गलती नहीं है, इस गलती के लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैम आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, मेरे फ्रेंड्स को नहीं। मैम प्लीज, मैम प्लीज। देखिए मैडम, मैं वादा करता हूँ ये सारे पैसे मैं शाम तक स्कूल में जमा कर दूंगा, उसके साथ मुझे माफी पत्र भी लिखकर चाहिए कि आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, वरना मैं टप्पू को स्कूल में बैठने नहीं दूंगी। नहीं नहीं, वो मैं पत्र भी दे दूंगा मैडम। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। डोंट वरी, वो लोग साथ में है ना, कुछ नहीं होगा। वो लोग अभी आते ही होंगे, टेंशन लेने से क्या फायदा, उनके आते ही सब पता चल जाएगा। या राइट, टेंशन मुझे बहुत हो रहा है। राइट राइट,
राइट में, राइट में, राइट में। यहाँ पर। दे। हाँ हाँ। आइए आइए। नहीं। हाँ टप्पू, कहाँ थे वो लोग? वो लोग हम लोग को यहीं पर मिले थे और मैंने यहीं पर लोगों को पैसे भी दिए थे। हाँ अंकल, यहीं थे वो लोग। हाँ। यहीं पे थे, यहीं पे खड़े थे, तो अभी कहाँ गए वो लोग? अब पिड़ू, और तू भी कमाल की बात करता है भाई। और कोई 33,500 रुपया लेके यहाँ खड़ा थोड़ी रहेगा। सही बात है। अरे वो भेल वाला। हाथी भाई, अभी ऐसे टाइम पे आपको भेल खाने का सोच रहा है? अरे नहीं नहीं, खानी नहीं है, उससे पूछते हैं कि शायद उसने उन चीटरों को देखा होगा। चलो चलो। हाँ चलिए। अरे भेल वाले भाई साहब। हाँ साहब, कौन सा भेल बनाऊं? सूखा भेल, गीला भेल, मद्रासी भेल, चाइनीज भेल? नहीं नहीं, भेल नहीं खानी है अभी, उसके लिए बाद में आएंगे कभी। फिलहाल तो हम क्या पूछना था, मैं तो ये सब देख के भूल ही गया। हाथी भाई, आप रहने दो। अरे भाई साहब, आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे किसी अंधे लोगों को मदद मांगते हुए देखा था? अरे भाई साहब, यहाँ तो रोज रोज भिखारी जुआरी गर्दुल्ले घूमते रहते हैं मदद मांगने के लिए। अब हम उनका ध्यान रखने बैठेंगे तो धंधा कब करेंगे? अंकल वो लोग यहीं पर खड़े थे, वो आंटी ने ब्लैक चश्मे पहने थे अंकल भी, और वो आंटी ने साड़ी पहनी। नहीं मालूम है उसका कुछ। चलो बिगर। चलिए आदि भाई। बताइए ना क्या हुआ? माधवी ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। हम लोग स्कूल में पहुंचे तो पता चला के ये सब हुआ है। और गोली, तुम लोगों ने भी रोका नहीं होगा ना टप्पू को? नहीं मम्मी। वेरी गुड। मतलब मम्मी, हम लोग सभी ने टप्पू को मना किया था लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। अरे अरे, इसने आज तक किसी की बात मानी है जो तुम लोग की बात मानता? याला मंटा था, तीशाना दादा बड़ी रिकामा। लेकिन रोशन, टूटू बच्चों को स्कूल तक छोड़ने गया था ना? हाँ रोशन, पर स्कूल से एक मोड़ पहले ही वो गड्डी पंचर हो गई यार। अरे पर गड्डी छोड़ के बच्चों को स्कूल तक तो छोड़ के आता ना? सॉरी भाई। कुछ सुनिए, मैंने तो बच्चों को बहुत कहा पर ये तो जिद ही पकड़ के बैठ गए और कहने लगे वो हमारे और भी स्कूल के बच्चे जा रहे हैं तो हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद ही ये कांड हो गया। लेकिन सोडी, अगर तू बच्चों को स्कूल के गेट तक छोड़ के आया होता ना तो ये हादसा कभी नहीं होता। हाथीपुरा कमाल करते हो यार, मैंने थोड़ी ना पता था कि वहाँ पे ये हादसा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं आती भाई, इसमें सोडी की कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही सिक्का खोटा है। लेकिन टप्पू के पापा, टप्पू ने जिनको पैसे दिया तो रिक्वेस्ट करनी थी ना, तो वो लोग पैसे वापस दे देते हैं। तुझे क्या लगता है टप्पू ने जिनको पैसे दिए वो लोग 1950 से वहाँ दुकान खोल के बैठे हैं? बाप दादा की पेटी है उनकी कि मैं वहाँ जाता तो वो लोग मुझे वहीं बैठे मिलते? नहीं भाभी, स्कूल के बाद हम लोग वहीं गए थे लेकिन वहाँ पे कोई नहीं मिला। मतलब वो लोग चीटर भी हो सकते हैं? हो सकते हैं, माधवी वो चीटर ही थे, पर ऐसी चीटर मुंबई में कई जगह जगह घूमते रहते हैं। सही बात। देखो हाथी भाई को ही मालूम है लेकिन ये टप्पू महाशय को नहीं मालूम।
देख तेरी बेवकूफी कितनी महंगी पड़ रही है। अबे मुंह लटका क्या खड़ा है, 33,500 कहां से देंगे स्कूल में? मैं मेरे पॉकेट मनी से दे दूंगा। रही जादे, तुझे क्या लाखों रुपए पॉकेट मनी मिलते हैं जो पॉकेट मनी में से दे देगा? अभी मुंह लटका क्या खड़ा है, यहाँ मेरी कमर अकड़ गई है। टप्पू के पापा, लेकिन स्कूल में पैसे तो देने पड़ेंगे ना? तेज सुनो, इतने सारे रुपए वापस जमा करने पड़ेंगे। आए तक है, इस टप्पू की गलती की वजह से हम सबको नुकसान भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं भिड़े, ये सारी गलती टप्पू की है, तो स्कूल में जो भी पैसे भरने हैं वो मैं अकेला भरूंगा। आखिर मेरे बेटे की बेवकूफी की सजा तो मुझे ही भुगतनी चाहिए ना, तुम लोग क्यों भुगतो? पापा मैं सच कह रहा हूँ, वो लोग चीटर नहीं थे, वो लोग सचमुच में जरूरतमंद और मजबूर थे पापा। बोलो ये साधु महात्मा अभी भी उनकी पिपुड़ी बजा रहे? लेकिन पापा चुप रहे, छोड़ दो नहीं तो। सोनू आज से बल्कि अभी से तुम टपू से या टपू सेना में से किसी से भी बात नहीं करोगी, कर लो। बराबर है भीड़, मैं तो कहता हूं यह टपू सेना आज से बर्खास्त बर्खास्त बर्खास्त। अरे टपू के पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे कैसे शांत हो जाऊं दया, ये टप्पू की बेवकूफी की वजह से वो भूकंप के झटके होते हैं ना, वैसे झटके मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ज्यादा देर यहाँ खड़ा रहा तो मेरा सर फट जाएगा। टप्पू के पापा सुनिए, अरे सुनिए ना। चल सुनो, चल माँ जी। बोली चलो चलो, अब तुझे क्या अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा, चल। रोशन सुनिए, मैं गड्डी खड़ी करके आता हूँ। मैं सही हूं या गलत, इस बात को अब मुझे अकेले ही साबित करना होगा, चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो। घर 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने उन अंधजनों को नहीं ढूंढ के निकाला, नहीं ढूंढ के निकाला, और मेरे माथे पर लगे कलंक को नहीं मिटाया, को नहीं मिटाया, तो मेरा नाम भी टिपेंद्र जेठालाल गड़ा नहीं। ऐसी गलती कर सकता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। कैसे यकीन होगा माधवी, कैसे यकीन होगा? टप्पू हमेशा ऐसे ही कुछ करता है जिसमें किसी को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि वो टप्पू है ना। मुझे नहीं पता वो लोग अंधे थे कि नहीं, लेकिन टप्पू ने आज एक बात साबित कर दी कि वो दिमाग का अंधा जरूर है। काय बोलता है तुम्हें? अरे बरोबर बोलते हो माधवी, 33,500 रुपए छोटी रकम नहीं होती। अब भरेगा जेठालाल, क्या करेगा? आखिर बच्चों की गलती के साथ माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती है। और सोनू तू भी कान खोल के सुन ले, आज के बाद तू टप्पू के साथ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। कल्ला भी काय विचारता है, उत्तर दे। हो बाबा। घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर पे, कल्ला। हो बाबा। और टप्पू के साथ खेलना वेलना मिलना जुलना बिल्कुल बंद, मंजे बंद, कल्ला की नहीं। अहो हलू हलू जरा। अरे काय हलू जरा माधवी, काय हलू? वहां स्कूल में देखना चाहिए था, वो प्रिंसिपल मैडम हम सबको इससे भी ऊंची आवाज में डांट रही थी। आज एक शिक्षक को प्रिंसिपल के सामने आरोपी की तरह खड़ा रहना पड़ा टप्पू की वजह से। अब लोग तो मुझे ही ताना मारेंगे कि आप क्या सिखाते हो बच्चों को, सोचे समझे बगैर कुछ भी करो। डोका तापले मदर डोक। सॉरी बाबा। अब सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं है गोली, तुम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई। और गोली जब टप्पू अनजान आदमी को पैसे दे रहा था तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना। पापा मैंने टप्पू को मना किया था, मैंने उसे रोका था, पर उसने जो जरूरतमंद को मदद करने का लॉजिक दिया था वो मुझे भी सही लगा। और सच कहूँ ना पापा, तो मैं उन अनजनों की बातें सुनकर इमोशनल और कंफ्यूज हो गया। गुली बेटा ऐसे वक्त पे इमोशनल नहीं होते हैं, बल्कि दिल को मजबूत करके दिमाग से सोचते हैं।
देखो बेटा, मेरे पास भी कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो गरीब बन के आते हैं और मैं इमोशनल होके उन्हें मुफ्त में दवाइयां दे देता हूँ। बाद में पता चलता है वो चीटर है, मुझसे ली हुई दवाइयां वो बाहर जाके बेच देते हैं। तो अपा, इसका मतलब हमारी तरह आप भी इमोशनल होकर बेवकूफ बनते हो? गोली, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम लोगों से जो गलती हुई है ना, उस बात को हम लोग समझा रहे, प्लीज समझो। हाँ हाँ मम्मी, गलती तो हुई है, सॉरी। कहाँ जा रहे हो? टप्पू अकेला होगा ना, उसे मिलने जा रहा हूँ। गोली, अभी भी तुम्हें टप्पू से मिलना है? खबरदार, जो घर से बाहर निकले जाओ किचन में, नहीं बेडरूम में जाओ, कपड़े चेंज करो। एंड लिसन गोली, हमारे परमिशन के बगैर तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। ओके ओके, पढ़ाई करो थोड़ा। अंकल अंकल, कैसे हो सकता है? उन लोगों को किसी ने भी नहीं देखा, तो कहाँ गायब हो गए? अंकल 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 अंकल, आपने वहां पर कोई अंकल आंटी को देखा जिसने ब्लैक चश्मा पहने थे? आंटी ने साड़ी पहनी थी और अंकल अंकल ने फॉर्मल हाँ कपड़े पहने थे, आपने देखा है अंकल? हाँ हाँ, मैंने उनको देखा था। हाँ, कहाँ पर कहाँ पर? वो लोग शायद उस तरफ गए थे। यहाँ पर? हाँ हाँ हाँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू। लगता है वो अपनी बेटी की आंखों के ऑपरेशन के लिए आस पास के कोई हॉस्पिटल में गए होंगे, मुझे वहीं से कोई क्लू मिल सकती है। यहाँ भी कुछ पता नहीं चला। लिम्बू पानी में ना, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। अरे ये तो वही लोग हैं जिनकी सुबह मैंने मदद की थी। ये लोग सब कुछ बराबर देख सकते हैं,
ये लोग अंधे नहीं है। अरे तू जा रहे है? ए रुको रुको, अरे रुको, अरे यार रुको रुको, अरे रुको रुको। पापा सही कह रहे थे, वो लोग चीटर है, फ्रॉड है। मुझे लोग की मदद नहीं करनी चाहिए थी, से भी बहुत बड़ी गलती हो गई। कि मैं भी टिपेंद्र जेठालाल गड़ा हूं, किसी भी कीमत पर उन लोगों को ढूंढ के निकालूंगा। क्या करूं? टप्पू के पापा अब शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं दया, 33,500 कोई छोटी रकम नहीं है। हाँ हाँ पर अब शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? वो अनजान आदमी 33,500 घर पे आके देके जाएगा। क्या हुआ जीजा, क्या हुआ? अरे बापू जी, टप्पू सेना ने कल प्रोग्राम करके 33,500 जो जमा किए थे, वो टप्पू ने आज रास्ते में किसी अनजान आदमी को दे दिए। क्या? हाँ कैसे? वो हुआ यूं कि तो उसको दे दिए। टप्पू ने ऐसी हरकत की? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि टप्पू ने। अरे बापूजी, टप्पू की इस हरकत की वजह से स्कूल में प्रिंसिपल मैडम ने सबके सामने मुझे इतना सुनाया कि शर्म के मारे मेरा तो सर झुक गया। अभी डोनेशन के 33,500 शाम तक हमें स्कूल में जमा करने को कहा है। दया, वो कल मैंने तुझे 50,000 का बंडल दिया था ना, वो लेके आ जरा। स्कूल में जाके अभी के अभी वो 33,500 देख के आता हूँ, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। अभी मैं भी तेरे साथ स्कूल आता हूँ। हाँ बापू जी, आप भी साथ में चलिए। ओहो क्या हुआ? स्कूल में एक माफी पत्र भी लिख के देना है। वो किस लिए? ये टप्पू ने जो हरकत की वो दोबारा नहीं करेगा, ऐसा माफी पत्र में लिख के देना है। कोई बात नहीं, स्कूल वाले चाहते हैं तो हम लोग माफी पत्र लिख के दे देंगे। टप्पू कहाँ है? नीचे सोसाइटी कंपाउंड में। उसे भी स्कूल साथ लेकर जाएंगे। लेकिन आप जरा उसे डांटना बापू जी। नहीं जरा नहीं, बहुत डांटना। मैं बात करूंगा, तू शांति रख। कैसे शांति रखो, माफी पत्र में क्या लिखना है वो भी नहीं मालूम मुझे बापूजी। माफी पत्र हम लोग भीड़े से लिखवा लेंगे, तू शांति रख। अरे दया, पैसा लाना जल्दी। अरे शांति रख बोल रहा हूँ फिर भी। ये लीजिए। क्या कर रही थी? अंदर के नोटे छाप रही थी। सॉरी पर वो बंडल संभल के रखा था ना, तो मिल नहीं रहा था। मतलब वो कपड़ों के अंदर सरक गया था, तो मिल नहीं रहा था, इसलिए देर हो गई। अंकल, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। बेटा, टीचर ज्यादा होमवर्क देती है, इसकी कंप्लेन हम लोग नहीं लिखते। नहीं अंकल, होमवर्क की कंप्लेन नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था, बोल क्या प्रॉब्लम है? अंकल, आज सुबह मैंने दो अंधजनों को पैसे देकर उनकी मदद की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या कंप्लेन लिखवानी है? नहीं अंकल, वो लोग अंधे नहीं है, वो लोग चीटर है, चीटर। ये बात है। अच्छा ये बताओ बेटा, तुमने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया? नहीं अंकल, मैं नहीं कर पाया। अब ये बताओ बेटा, इतने बड़े शहर में हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? और वैसे भी बेटा, आजकल तो हर शहर में मदद और डोनेशन के नाम पर इस तरह के चीटिंग के केस अक्सर होते रहते हैं। अब ऐसे में आंखें बंद करके किसी अनजान व्यक्ति को मदद करना, इसमें तो तुम्हारी ही गलती है ना। मैं जानता हूँ अंकल, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अंकल आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। अब प्लीज उनको कहीं से भी ढूंढ के लाइए ना अंकल, प्लीज अंकल। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो,
अपना नाम और नंबर मुझे लिखवा दो। नाम बोलो बेटा। टिपेंद्र जेठालाल घड़ा। टिपेंद्र जेठालाल घड़ा। हाँ, नंबर बोलो बेटा। 2 तो बेटा जैसे ही लोगों के बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। ओके अंकल, थैंक यू। और सुनो, इधर घर जाना, इस तरह से आजकल अकेले घूमना ठीक नहीं है। ओके अंकल, थैंक यू। कहाँ है टप्पू? यही कहीं होगा, मैं देखती हूँ। शांति रखना, ये तो टेंशन हो गया। नहीं नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या। तो शांति रखना भाई, कुछ नहीं हुआ, बोला ना। जेठालाल, परेशान क्यों लग रहे हो? मैं तो साहब, टप्पू साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जेठालाल, क्या किया टप्पू ने? मैं तो साहब, वो हुआ यूं के जेठालाल, ये टप्पू ने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया। जेठालाल, मैं तुम्हें कब से पूछ रहा हूँ तो मुझे बताया नहीं, और इन्होंने एक बार पूछा तो इनको बता दिया। अरे भाई, अभी तुझे भी पता चल गया ना? नहीं, अभी पता। अरे पोपटलाल, एक मिनट। जेठालाल, टप्पू जैसा इंटेलिजेंट और सेंसिबल बच्चा ये करेगा, यकीन नहीं होता। हाँ, अरे भाई, तो भी शांति रखना, भी होना भी मत कर भाई, प्लीज। मैं तो सब वो स्कूल में जो माफी पत्र लिख के देना, वो जरा लिख के दे दीजिए ना। हाँ हाँ, वो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन टप्पू है कहाँ? लगता किसी के घर पे गया होगा। आतिफ भाई को पूछता हूँ। अरे आतिफ भाई, मम्मी पापी। आतिफ भाई, मम्मी पापी। हाँ रीना भाई, बोलिए। टप्पू आपके घर पे है? नहीं, हमारे घर पे टप्पू नहीं है। भिड़े, अरे भिड़े, भिड़े। क्या हुआ जेठालाल? अरे भिड़े, टप्पू आया तुम्हारे घर पे? टप्पू मेरे घर पे क्यों आएगा जेठालाल? अरे भाई, सवाल के सामने सवाल क्यों पूछ रहा है, जवाब देना। नहीं, नहीं आया। अरे सोढ़ी, रोशन पापी, सोढ़ी। जेठा ब्रा, क्या आया? अरे टप्पू आया तुम्हारे घर पे? मेरे घर पे तो नहीं आया। टप्पू नहीं आया है। पिड़ू, तो इसमें इतना भड़क क्यों रहा है? नहीं आया तो आ जाएगा। कहाँ चला गया टप्पू? देखा बापूजी, टप्पू का नया नाटक, अभी कहीं जाकर छुप गया। अरे भाई, तू शांति रखना, यहीं कहीं होगा। अरे भाई अब्दुल आया। चाचा जी, अरे यहाँ मत आ, वो गेट के बाहर जरा देख, टप्पू कहीं दिख रहा है। हाँ चाचा जी, काय झालंय का नक्की? अरे मला काय माहित, भडक क्यों रहे हो आप? भोलेनाथ जी, मम्मी हमेशा कहती है कि जब कोई मुसीबत हो तो आपको सच्चे दिल से याद करना चाहिए, तो आप जरूर उसकी मदद करते हो। भोलेनाथ जी,
इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैंने तो सिर्फ सच्चे दिल से ईमानदारी से किसी की मदद करनी चाहिए। अब वो लोग चीटर निकले, उसमें मेरा क्या कसूर? अब आप ही बताइए, मैंने उनकी मदद की, क्या ये मेरा कसूर है? भोलेनाथ जी, अगर ऐसे ही चीटिंग होती रही ना तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अरे लोगों का विश्वास उठ जाएगा और जो असली जरूरतमंद है ना उनकी भी कोई मदद नहीं करेगा। भोलेनाथ जी, अभी आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए भगवान, प्लीज प्लीज। Excuse me, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा यहाँ रहते हैं? हाँ यही रहता है, मैं उसका पापा हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। एक मिनट, आइए हम सही जगह पे आए। कौन है? जेठालाल, ये टप्पू के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब इन्हें टप्पू की कोई खबर है? ये तो वही लोग हैं जिनको टप्पू ने पैसे दिए थे। गोगु भाई, कहते ये वो लोग हैं? हाँ अंकल, ये लोग वही लोग हैं जिनको टप्पू ने मदद की थी। अरे तो ये लोग तो देख सकते हैं, ये कहाँ अंधजन है? अच्छा तो वो चीटर तुम लोग हो जो अंधे बन के लोगों को ठगते हो, और तुम्हारी तो रुक भाई, जरा देखने तो दे भाई, बराबर से शांति रख भाई। अरे क्या देखेगा, उनमें चीटर लोग हैं। हां भाई भाई, शांति। अरे शांत हो जा भाई, थोड़ी चाचा जी, तू शांत हो जा, शांत हो जा। देखिए हम लोग चीटर नहीं है, हम लोग ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया के समाज सेवक है। तो समाज सेवक है तो क्या ऐसे अंधे बनने का नाटक करने का? आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। ओ शांति है, जल्दी समझाओ। अंधजनों के प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए और हमारे एनजीओ के कार्यकर्ता मुंबई में जगह जगह अंधजन बनकर खड़े होते हैं और सर्वे करते हैं। आज सुबह इसी सर्वे के दौरान हम लोग अंधजन बनकर मदद मांग रहे थे। लेकिन आप लोग इस तरह का सर्वे क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अंधों के प्रति लोगों के दिल में कुछ संवेदना बची है या नहीं, लोग अंधजनों के प्रति क्या सोच रखते हैं, अंधजनों की तकलीफ अपनी आंखों के सामने देखकर क्या उनके मन में मदद की कोई भावना जागती है या नहीं, क्या अपनी जिंदगी से समय निकालकर दूसरे के बारे में सोचते हैं? पर हम लोग यही बात बताने के लिए सर्वे कर रहे थे। इस मकसद में टप्पू ने हमें सबसे ज्यादा मदद की है। क्या बात है? लेकिन जब मेरा टप्पू ने आपको पैसों का पैकेट दिया तो आपने उसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि एक छोटा बच्चा इतने सारे पैसे कहां से लेके आया? चुपचाप ले लिए। तो जब टप्पू ने मेरे हाथ में पैकेट दिया, ठीक उसी वक्त वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया। अंकल सही कह रहे हैं, वहां पर एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। आपकी बेटी के ऑपरेशन के लिए हमारी तरफ से छोटी सी मदद, 33,500, ये लीजिए। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बेटा, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। उस वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि हम टप्पू से कुछ पूछे, वो कब कहां किस तरफ चला गया हमें कुछ पता नहीं चला। तब से हम टप्पू को ही ढूंढ रहे हैं।
लेकिन आप लोग ढूंढते हुए यहाँ कैसे चला है? आपको कैसे पता चला टप्पू यहाँ रहता है? उस नोटों के बंडल में टप्पू के स्कूल के प्रोजेक्ट रोशने की कूपन निकली और हमने टप्पू के स्कूल के प्रिंसिपल से कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने आपका एड्रेस बताया। दरअसल ये प्रोजेक्ट रोशनी हमारे एनजीओ का ही एक हिस्सा है। ले, घी ढोड़ा होता खिचड़ी माज। यानी पैसे जहाँ पहुँचने थे वहीं पहुँचे। सही बात है। मतलब मेरे टप्पू ने कोई गलत काम नहीं किया है। मामा का सभी उस पे गुस्सा कर रहे थे। अब जेठिया तुझे डांटू। अरे लेकिन मेरा दानवीर टप्पू है कहाँ? चाचा जी, हाँ? मैंने टप्पू को चारों तरफ देखा लेकिन टप्पू कहीं दिखा नहीं। हम लोग इधर स्विमिंग के टेरेस में जाकर देखते हैं। हम लोग भी यहाँ पे टेरेस पे देखते हैं। टेरेस? आप यही रुको, मैं इधर से ही देख। टेरेस पे जाके देखना पड़ेगा। इधर है, इधर है। टप्पू? टप्पू? नहीं है? मिला? अभी नहीं मिला? मिला कहीं? नहीं, यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ? नहीं 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 भाई नहीं, ये ऊपर टेरेस पे भी नहीं है। वो क्लब हाउस में भी नहीं है। हाँ, नहीं है। कहाँ गया होगा मेरा टप्पू? मेरे टप्पू कहाँ चला गया होगा? जेठिया, तुझे टप्पू को डांटने की क्या जरूरत थी? प्यार से नहीं समझा सकता था? आइंदा प्यार से समझाऊंगा बापू जी। जेठा भाई, सुभाष स्त्री वाले ने मुझे अभी भी बताया कि उसने टप्पू को मेन रोड पे जाते हुए देखा था। अच्छा? अरे चलो छोटे, एक काम कर, अपनी गड्डी निकाल, हम लोग जाकर ढूंढते हैं टप्पू को। हाँ। नहीं जेठा बड़ा, मैं गड्डी नहीं निकालूंगा। क्यों? छोटे, गड्डी निकालने की जरूरत नहीं है जेठा बड़ा, क्योंकि अपना प्यारा राज दुलारा और गोकुल धाम का शेर और टप्पू सामने। टप्पू बेटा, बराबर है ना बेटा? टप्पू कहाँ था भाई? टप्पू बेटा कहाँ चला गया था? कितनी चिंता हो रही थी, ऐसा कोई चला जाता है। सॉरी मम्मी, पापा, दादाजी, आप सभी लोग सही थे। मैंने जिनकी मदद की वो लोग अंधे नहीं थे, चीटर थे, फ्रॉड थे। मैंने उनकी गाड़ी का पीछा किया लेकिन वो लोग भाग गए। यही है वो लड़का टप्पू। अच्छा अच्छा, यही टप्पू है? जी। अरे टप्पू बेटा, तूने जिनका पीछा किया वो लोग उधर यही है, उधर पीछे खड़े थे। टप्पू बेटा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये लोग चीटर्स नहीं है, ये लोग ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। हाँ? और तुमने जो डोनेशन की राशि दी थी वो बिल्कुल सही हाथों में पहुंची है। प्रिंसिपल मैडम आ गए। नमस्ते। 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 नमस्ते मैम, आप यहाँ? हाँ टप्पू, मुझे इन लोगों ने फोन करके सारी हकीकत बता दी है। वाकई तुमने बहुत बढ़िया काम किया है और मैंने तुम्हें डांट दिया उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं मैम प्लीज, आप सॉरी मत बोलिए। अरे टप्पू, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और तुमने जो किया है वो वाकई काबिले तारीफ है और स्कूल को तुम पे गर्व है, और इसलिए प्रोजेक्ट रोशनी की वो ट्रॉफी तुम्ही को मिलेगी।
यू मैम, थैंक यू। खुश रहो और अपने माँ पापा और अपनी स्कूल का नाम रोशन करो। यस मैम। और इतना ही नहीं, ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया की तरफ से हम टप्पू और टप्पू सेना का बहुत बड़ा सम्मान करेंगे। अभी अभी मुझे सोसाइटी की लेडीज ने बताया, टप्पू सेना ने अंधजनों के प्रति जागृति लाने के लिए सोसाइटी में एक नाटक किया था। उस नाटक में आजू बाजू के मोहल्ले और सोसाइटी वालों ने परफॉर्म किया था। थैंक यू टप्पू सेना फॉर योर सपोर्ट। हमने तो वही किया जो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स ने सिखाया है। विनम्रता केवड़ी। वेरी गुड टप्पू। लेकिन तुम सभी बच्चे भी एक बात याद रखना, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना, और पैसे का कोई भी व्यवहार हो अपने माँ बाप की निगरानी में ही करना। ये बरोबर। समझ गए ना? यस मैम। यस मैम। सॉरी फॉर द मिस्टेक मैम। पापा अभी तो आप खुश है ना? अरे बेटा खुश नहीं मत, डबल ट्रिपल चौबल खुश हूँ। अरे आज तूने हमारे गड़ा खानदान का नाम रोशन किया। क्यों बापूजी? हाँ तो पोता किसका है? अरे जेड़ा प्रा, और तुम गलत बोल रहे हो कि टप्पू ने गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया। अरे सूरी क्या बोल रहे तुम? और पिड़ो, और मैं सही कह रहा हूँ, ये जेड़ा प्रा गलत बोल रहा है कि टप्पू ने गड़ा खानदान का नाम रोशन नहीं किया है, बल्कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम रोशन किया। आइए आइए, वेलकम। नमस्ते 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 आइए। नमस्ते नमस्ते। वेलकम टू चैरिटेबल ब्लाइंड स्कूल। मैं आप लोगों को इनकी पहचान करा दूं। ये सुपर्णा जी है, यहाँ की डायरेक्टर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये मिस्टर सोल्टे हैं। नमस्ते। और ये यहाँ के टीचर। नमस्ते नमस्ते। और ये है हमारी स्कूल के बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जो टप्पू सेना के नाम से जाने जाते हैं। ओहो, तो ये है टप्पू सेना। वाह ग्रेट। और अब इनकी पहचान करा दो, टप्पू सेना के लीडर टप्पू। नमस्ते, मैं टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। हेलो। ये गोगी। सत श्री अकाल। बोली। नमस्ते। पिंकू। नमस्ते। सोनू। हेलो। हेलो। और ये टप्पू के पापा। मैडम सॉरी, पहले टप्पू के दादाजी की पहचान करवाइए। हाँ, ये टप्पू के दादाजी हैं। नमस्ते, मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। और ये टप्पू के पापा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। वेलकम सर, वेलकम। और टप्पू की मम्मी। दया टप्पू के पापा गड़ा। मुझे जब मैडम ने बताया कि टप्पू सेना ने जरूरतमंद नेत्रहीनों के प्रति संवेदना, प्यार, मोहब्बत लोगों के दिल में जगाया, वो काबिले तारीफ है। गुड जॉब टप्पू सेना। उसके लिए हमारी ये चैरिटेबल स्कूल हमेशा टप्पू सेना की आभारी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, ऐसा मत कहिए, हमने तो बस हमारा फर्ज निभाया जो हमारे मम्मी पापा दादाजी ने सिखाया है। धन्य है आपके माता पिता और दादाजी के संस्कारों को। बच्चों को अच्छे संस्कार देने में उनके माँ बाप के साथ स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, अगर स्कूल वाले प्रोजेक्ट रोशनी का प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते तो बच्चों के साथ साथ हमें भी इसके बारे में कैसे पता चलता? बिल्कुल। मिस्टर सोल्टे, मैं आपको एक बात बता दूं। शुरू में प्रोजेक्ट रोशनी के लिए टप्पू सेना इतना सारा डोनेशन जमा नहीं कर पाई थी। वो अगर चाहते तो वो सारा डोनेशन स्कूल में जमा करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते थे, लेकिन टप्पू सेना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ज्यादा से ज्यादा डोनेशन जमा करने के लिए जुट गए। उनकी गोकुलधाम सोसाइटी में बाल नाटक करके प्रोजेक्ट रोशनी का संदेश इतनी अच्छी तरह समझाया कि सबकी आंखें नम हो गई। तो हमें भी बताइए टप्पू सेना ने क्या संदेश दिया। टप्पू तुम ही सारी कहानी अपने शब्दों में सुनाओ। टप्पू बताएगा।
सर मैम हुआ यू के पहले हमने हमारे गोकुलम सोसाइटी में प्रोजेक्ट रोशनी के लिए डोनेशन जमा किया। फ्रेंड्स सिर्फ 1850 कहाँ 25,000 कहाँ 1850 ना पैसों में तो उन लोग दवाई भी नहीं खरीद पाएंगे, उनका आंखों का इलाज कैसे होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों के दिलों में अंधजनों के प्रति संवेदना जागे और लोग इस प्रोजेक्ट रोशनी में ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दें। फ्रेंड्स हमें सीरियस कुछ हटके सोचना होगा। क्योंकि कल मेरे स्कूल का पहला दिन है, कल मैं स्कूल जाऊंगा, नई नई किताबें पढ़ूंगा, बड़ा आर्मी बनूंगा। वाह बिल्कुल बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। देखिए मैंने आपके बेटे की रिपोर्ट पढ़ी है, आई एम सॉरी टू से बट आपके बेटे के दोनों आंखों में सीरियस प्रॉब्लम है। क्या? अगर 24 घंटे के अंदर इसकी आंखों का ऑपरेशन कराया गया तो इसकी आंखें वापस आ सकती हैं, वरना फिर ये कभी नहीं देख पाएगा। डॉक्टर साहब अब जल्दी से ऑपरेशन कीजिए और मेरे बेटे के आंखों को ठीक कर दीजिए। ऑपरेशन का खर्चा 1,00,000 रुपए होगा। बाबा, बाबा कहाँ हो? बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा। बाबा कहाँ हो? बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा। चलो बाबा चलो। हाँ बेटा हाँ, तू स्कूल जाएगा, तू जरूर स्कूल जाएगा। भाई साहब मेरे बेटे के ऑपरेशन के लिए 1,00,000 रुपए की जरूरत है, प्लीज मदद कर दो। भाई साहब 24 घंटों के अंदर मेरे बेटे की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो अंधा हो जाएगा। प्लीज प्लीज मदद कर दीजिए। 100 लोग अगर 1,000-1,000 रुपए भी देंगे तो मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। भाई साहब राजू के पापा पैसों का बंदोबस्त हुआ? नहीं। राजू का ऑपरेशन इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके पापा के पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। अब आप उन नेत्रहीन जरूरतमंद बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पास आंखें तो है लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं। क्या हम सब मिलकर उनकी आंखों की रोशनी नहीं ला सकते? नेत्रहीनों के प्रति संवेदना का जो संदेश बरसों तक लोगों तक पहुंचा नहीं सके वो कितनी मासूमियत से और आसानी से आप लोगों ने लोगों तक पहुंचा दिया। थैंक यू, गुड जॉब टपू सेना, वेरी गुड जॉब। थैंक यू। अब हम हर गली मोहल्ले और मॉल्स में इस नाटक को ले जाएंगे और लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे। हेड्स ऑफ टपू सेना। सुपर्णा जी, प्रोजेक्ट रोशनी के जरिए हमारी स्कूल ने जितनी भी राशि जमा की है वो सब आज आपको भेंट करने आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपके स्कूल के बच्चों के द्वारा टपू सेना का सम्मान किया जाए। जरूर जरूर, ये तो हमारा भी सौभाग्य होगा। लेकिन उससे पहले हम सब आपके स्कूल के बच्चों से मिलना चाहते हैं। श्योर, टपू सेना को मिलने के लिए तो हमारे बच्चे कब से राह देख रहे हैं। प्लीज आइए।
अरे बच्चों, अंकल आंटी और टपू सेना को अपना एक्टिविटी रूम नहीं दिखाओगे? चलो चलो, आइए आइए। किधर है? आइए। अरे वाह वाह वाह। तुझे करते प्रणाम है हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। आज चांद और चांदनी कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। खेले हैं रास आज चांद और चांदनी कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। सच में सोल्टे, यहाँ आकर हमारी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई। हाँ बापूजी, हम तो देख सकते हैं फिर भी अब तक इन बच्चों के दुख से हम लोग अनजान थे। जेठिया जागिया तैरती सवार, भले काम में कभी देरी नहीं होती है। और तुझे पता है, जो व्यक्ति पैसे की मदद नहीं कर सकता वो अपने देहांत के बाद अपनी आंखों का दान भी कर सकता है। एक मृत व्यक्ति का नेत्रदान दो अंध व्यक्ति को अपनी आंखों की रोशनी दे सकता है। जीते जी रक्तदान, जीवन के बाद नेत्रदान। टप्पू के पापा जल्दी चलिए टप्पू सेना को
चलिए वापस आइए। BGS for Tapu Sena, hip hip, hooray!